कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने टांगे, मैंने तो हर गली तलाशी, यहीं कहीं दरभंगा था। साथियों, दोस्तों, आज मुझे रूबरू होना पड़ा क्योंकि हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर तारीखी, बहुत बड़ी तारीखी चीज़, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक राजा की हुकूमत थी। आज मैं दरभंगा ज़िले की बात कर रहा हूँ, दरभंगा की तारीख के बारे में आपसे मैं बात करूँगा। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरभंगा के जिस रीजन की हम बात करते हैं, वहाँ पर 1908 में दरभंगा का जो एक डिवीज़न था, दरभंगा का 1908 में पटना जो एक डिवीज़न था, लेकिन इसकी मैं तारीखी आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका नाम असल में दरभंगा नहीं था बल्कि द्वारबंगा था। द्वारबंगा को जो है दारेबंगा कहा गया। उसके बाद इसका ये मतलब होता है डूअर टू बंगाल, यानी बंगाल का दरवाज़ा कहा जाता है। लेकिन असल में किसी भी तरीके से बंगाल की जो दूरी है वो दरभंगा की दूरी है, बहुत आसमान और ज़मीन का फासला है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की बुनियाद पर और कल्चरल की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये दरभंगा की तारीख में कहीं ना कहीं जो है वो शामिल की जाती है। मैं आपको ये बता दूँ कि दरभंगा के आखिरी बादशाह श्री कामेश्वर सिंह, जिन्होंने दरभंगा का नाम इसलिए रोशन किया क्योंकि हिंदुस्तान का दूसरा लाल किला दरभंगा में जो है वो मौजूद है। मैं आपको ये बता दूं कि दरभंगा में जो लाल किला है, लाल किले की वजह से ज़्यादा मशहूर और मारूफ है दरभंगा जो है। और यहाँ पर अली बारदी खान एक राजा थे जिनके हाथ में इस्लामपुर एक डिस्ट्रिक्ट था, इस्लामपुर जहाँ पर आज दरभंगा का लाल किला मौजूद है, वहाँ उस पर कंट्रोल था। उसको श्री कामेश्वर सिंह के हाथ में दे दिया गया, जो आखिरी बादशाह थे, पूर्वजों के आखिरी बादशाह थे, और उनको देने के बाद वहाँ से इस्लामपुर को उन्होंने शिफ्ट किया, जिसको हम अली नगर और आज हम लहरिया सराय के नाम से जानते हैं। और आज वहाँ पर वो लाल किला इस्टेब्लिश किया गया उनके जो आखिरी बादशाह श्री कामेश्वर सिंह थे, जिन्होंने इस लाल किले की तामीर कराई थी 1934 के अंदर। 1977 और 78 के अंदर ये कहा जाता है कि भारत का, हिंदुस्तान का दिल्ली का लाल किला सबसे बड़ा लाल किला है। उसके बाद जो है 1977 और 78 में तारीख ने ये बात तय की है कि दरभंगा का लाल किला जो है दूसरा सबसे बड़ा लाल किला माना जाता है। उसकी लंबाई जो एक किलोमीटर है और चौड़ाई जो है आधा किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि 2011 का सेंसस ऑफ इंडिया जब जनगणना हुई थी, उस जनगणना के तहत मैं आपको और खसूसियत बता दूं दरभंगा के अंदर जो है, दरभंगा का रैंक जो है तमाम बिहार के अंदर जो ये 8 नंबर पे था पॉपुलेशन के अंदर, 39,37,385 उसकी आबादी थी दरभंगा की 2011 के सेंसस के मुताबिक। और ये इसका टोटल एरिया जो है, बिहार का जो टोटल एरिया है उसका, दरभंगा ज़िले का जो एरिया है वो 2279 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें एक तारीखी बात ये भी है कि यहाँ पर एक शख्स आए थे जिसको हम दरभंगी खान कहते हैं, इसी की वजह से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है दरभंगा पड़ा गया, क्योंकि दरभंगी खान एक शख्स था, वो आया था और उसने जो है ये इलाका फाउंड किया। इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद जो है आप दरभंगा की तमाम तारीख जानिए और बेहतरीन आपको जो है खसूसियत मालूम चलेगी। जमील अख्तर बक्का।